नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के बयानबाजी का दौर जारी है। लालू प्रसाद यादव के आने से राजनीति बदलती जा रही है, जहां ये बातें सामने आ रही थी कि आरजेडी और कांग्रेस अब अलग हो चुकी हैं, अलग अलग दोनों चुनाव लड़ रही हैं, आमने सामने हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव ने आते ही एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को जानता हूं तो नेशनल लेवल से जानता हूँ, यानी कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनसे मेरी मुलाकात होती है और मैं उन्हें जानता हूँ। इन बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है और लगातार सत्ता पक्ष के प्रवक्ता नेता अब आरजेडी पर और कांग्रेस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू बनकर चलेगी, चाहे लालू प्रसाद यादव उनके नेता को भगचौंदर कह दें या फिर कुछ और कह दें, लेकिन कांग्रेस उनका पल्ला कभी नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले आप सुनिए कि निखिल मंडल किस प्रकार से विपक्ष पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी आज भी कह रहे हैं कि हम नेशनल लेवल पे कांग्रेस को मानते हैं। ये अलग बात है कि प्रदेश लेवल पे वो कांग्रेस को जानते नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि मैच फिक्स है। उपचुनाव में इन लोगों ने मैच फिक्स कर रखा है। सभी जानते हैं कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार। अगर आप नेशनल लेवल पे सोनिया गांधी को मानते हैं तो फिर कुछ बचता कहां है। इसलिए स्पष्ट है जो शुरू से हम कहते आए हैं कि ये मैच फिक्स है। इसके अलावा कांग्रेस के पास वैसे भी विकल्प क्या है, चाहे आप उसे भगचोनर कहें कि छुटवैया कहें, कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि पिछलग्गू बन के ही रहेगी आरजेडी के। तो जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार से निखिल मंडल ने आरोप लगाया है विपक्ष के ऊपर, अब इस को लेकर के विपक्ष के प्रवक्ता यानी कि मृत्युंजय तिवारी ने अब जदयू पर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने जदयू के बारे में कहा है कि जदयू अब डर रही है क्योंकि ये दोनों विधानसभा सीट अब आरजेडी लेगी और लालू प्रसाद यादव के आने से पूरा राजनीति खेल बदल जाएगा। सबसे पहले आप सुनिए कि मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या आरोप लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा है, उनका कोई नोटिस लिया जा रहा है? जेडीयू की जमानत बच नहीं रही है तो बौखलाहट में कुछ से कुछ बोलेगी। जेडीयू दोनों तरफ जमानत नहीं बचा पाएगी, इसीलिए जेडीयू बौखलाहट में है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के आने के बाद बिहार में बड़ा खेला होगा, तो 2 नवंबर का इंतज़ार कीजिए। 2 नवंबर को पता चल जाएगा जेडीयू को। दोनों सीटों पर आदरणीय लालू प्रसाद जी सभा करेंगे। जनता बेकरार है लालू जी को सुनने के लिए, तो अब लालू जी पूरे फॉर्म में हैं। लंबे अरसे के बाद, करीब 36 साल के बाद लालू जी जनता के बीच में सभा करने जा रहे हैं। इसका एक अलग उत्साह है, उमंग है जनता को। तो जैसा कि आपने सुना कि मृत्युंजय तिवारी ने सीधे तौर पर आरोप जदयू पर लगाया है। उनका कहना है कि जदयू इस बार बौखला गई है क्योंकि ये दोनों विधानसभा की सीट जो है वो जदयू के हाथ से जा रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करते हैं, तारापुर हो या फिर कुशेश्वर स्थान हो, उन्हें पूरा ही जनसमर्थन मिलता है। और जब लालू प्रसाद यादव पटना आए थे तो उनका भी जो जनसमर्थन हमें देखने को मिला, उससे ये बातें कहीं ना कहीं साफ भी हो रही हैं कि आरजेडी इस बार अपनी जीत पक्की कर सकती है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि 2 नवंबर को किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।